Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम Red Hat Enterprise Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। लिनक्स में सेट कमांड को बोला जाता है स्ट्रीम एडिटर, जिसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आप सेट कमांड का यूज़ करके फाइल के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं, अगर आपको किसी वर्ड को सर्च करना हो तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं सेट कमांड का, अगर आपने किसी लाइन को या किसी वर्ड को इंसर्ट करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं सेट कमांड का, या अगर हमें कुछ डिलीट करना हो तो हम यूज़ करते हैं सेट कमांड का। सेट कमांड का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं बिना उसे ओपन किए, जो कि एक बहुत ही आसान मेथड है किसी भी चीज़ को फाइंड करना और फाइंड करने के बाद उसे रिप्लेस कर देना। सेट कमांड सपोर्ट करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को, जो अलाउ करता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न मैचिंग को। अगर आप सेट कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो हम सेट कमांड को दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप यहाँ पर लिखेंगे सेट, फिर उसके ऊपर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बाद आपको देना होगा उस फाइल का नाम या उस फाइल का पाथ जिसके ऊपर आप इस सेट कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा मेथड है कि आप इसे कमांड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने पहले कमांड को मेंशन किया, इस कमांड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे सेट कमांड को और उसके बाद हमें देना होगा एक्शन कि हम सेट कमांड से क्या एक्शन देना चाहते हैं। इस मेथड में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पाइप सिंबल का। पाइप सिंबल का मतलब होता है द आउटपुट ऑफ फर्स्ट कमांड बिकम द इनपुट ऑफ सेकेंड कमांड, यानी कि जो भी आउटपुट आपका फर्स्ट कमांड से आएगा वो आपकी सेकंड कमांड का इनपुट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं /etc passwd फाइल में से प्रिंट करवाना चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट लाइन को, तो हम कमांड को इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे सेट -n, देन लाइन नंबर, आप कौन सी लाइन को प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन फाइल पाथ। तो आपके सामने जो भी इस फाइल के अंदर फर्स्ट लाइन अवेलेबल होगी वो हो जाएगी प्रिंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं मल्टीपल लाइंस को या रेंज को तो हम कमांड को इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में पहले कमांड को एग्जीक्यूट किया कैट -n/etc/passwd। जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट किया जाता है, ये जितने भी लाइंस आपकी इस फाइल में अवेलेबल होंगी उन सब के आगे लाइन नंबर को प्रिंट करवा देगा। उसके ऊपर मैंने सेट कमांड को अप्लाई किया कि मुझे उसमें से पहली लाइन और सिर्फ पांचवी लाइन ही प्रिंट करवानी है, तो आपके सामने आउटपुट आ गया फर्स्ट लाइन और फिफ्थ लाइन का। अगर आप आउटपुट को किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर रीडायरेक्ट सिंबल का। तो मैंने सेम ऊपर वाली कमांड को ही यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मैंने आउटपुट लिया था अपने बैश शेल पर ही, लेकिन अब इस आउटपुट को मैं सेव करना चाहता हूँ अपनी फाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ पर फाइल का पाथ प्रोवाइड करवा दिया। तो ये दोनों लाइनें जो आपको यहाँ पर शेल पे नज़र आ रही थी वो अब सेव हो चुकी हैं इस फाइल के अंदर। अगर आप इस फाइल को रीड करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, तो आपको वही दोनों लाइनें यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं फर्स्ट लाइन से लेके फिफ्थ लाइन तक, तो हम कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं सेट -n, कोट में आपको लिखना होगा वो लाइन नंबर जहाँ से आप प्रिंट शुरू होके लास्ट तक करवाना चाहते हैं, यानी कि रेंज। तो मैंने फाइल यूज़ की /etc/passwd, इस फाइल के अंदर हमारे यूज़र होते हैं अवेलेबल्स,
यानी कि जब हम लिनक्स के अंदर यूजर्स को क्रिएट करते हैं तो हमारे यूजर इसी फाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं, यानी कि इस फाइल का यूज़ करके ही हम अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कितने यूज़र अवेलेबल हैं। और इस कमांड पर मैंने अप्लाई किया कैट माइनस एन कमांड का। तो जब आप कैट माइनस एन कमांड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा लाइन नंबर, लेकिन अगर आप सिर्फ सेट कमांड का यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ लाइंस दिखेंगी, उसके आगे लाइन नंबर नहीं शो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन को और लास्ट लाइन को, तो हम यूज़ करते हैं लाइन नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1p, यानी कि मेरी ये होगी फर्स्ट लाइन, और लास्ट लाइन के हम लिखते हैं यहाँ पर $p, यानी कि जो भी लास्ट लाइन होगी वो हो जाएगी यहाँ पर प्रिंट। तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख गया, ये मेरा फर्स्ट लाइन है और ये मेरा लास्ट लाइन है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट करवानी पड़ी, यानी कि एग्जीक्यूट करवानी पड़ी दो कमांड्स। अगर आप एक ही कमांड का यूज़ करके दोनों लाइनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने पहले रीड करा विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड पास wd फाइल को, उसके बाद मैंने उस पर अप्लाई की सेट कमांड फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के लिए। तो आपको सेम आउटपुट यहाँ पर रिसीव हुआ जो आपको आउटपुट यहाँ पर रिसीव हुआ था, यानी कि ये है आपकी फर्स्ट लाइन और ये है आपकी लास्ट लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप डिफरेंट लाइंस को और डिफरेंट रेंजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में कैट माइनस एन स्लैश पास wd लिखा है, ये सिर्फ इस करके लिखा है ताकि आपको यहाँ पर लाइन नंबर शो हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो आपको सिर्फ ये लाइन नंबर शो नहीं होगा, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक, तो ये आपकी तीन लाइनें यहाँ पर प्रिंट होगी। उसके बाद मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ 12 से लेके 14 तक, तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया 12 लाइन, 13 लाइन और 14th लाइन। उसके बाद मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ सिर्फ 20th लाइन को, तो मैंने 20p लिखा, तो आपकी ये 20th लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ 40th लाइन को, तो मैंने 40 लिखा, तो आपकी 40 लाइन भी प्रिंट होगी। उसके बाद मैं 46 से लेके लास्ट लाइन तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो 46 लाइन नंबर और 47 लाइन नंबर आपके दोनों प्रिंट होंगे। मेरी इस फाइल के अंदर सिर्फ अवेलेबल हैं 1 से लेके 47 लाइंस, इस करके आपको यहाँ पर 46 और 47 लाइन नंबर शो हो रहा है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आप किसी एक वर्ड को हटाकर दूसरे वर्ड को लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम यूज़ करते हैं सेट कमांड का। सब्स्टिट्यूट के लिए हमें यूज़ करना होगा S अल्फ़ाबेट का, और जो भी वर्ड आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीलिमिटर सिंबल का। इस एग्जांपल में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ रूट नाम को टेस्ट यूज़र के साथ testing.txt फाइल में से। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये आपका आ गया यहाँ पर टेस्ट यूज़र रूट की जगह, और 10th लाइन में भी आ गया आपका टेस्ट यूज़र रूट की जगह पर। बाय डिफॉल्ट सेट कमांड सिर्फ रिप्लेस करता है जो भी लाइन के अंदर आपकी फर्स्ट अक्रेंस होती है, लेकिन अगर कोई वर्ड एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल टाइम दिया होगा तो ये उसे रिप्लेस नहीं करता। जैसा आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते थे रूट को टेस्ट यूज़र में, तो इसने फर्स्ट रूट को तो रिप्लेस कर दिया टेस्ट यूज़र में, लेकिन जो आपका सेकंड नंबर पे रूट लिखा है और थर्ड नंबर पे जो रूट लिखा है, ये दोनों आपके रिप्लेस नहीं हुए। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं nth अक्रेंस के ऊपर किसी भी वर्ड को एक लाइन में, तो हम यूज़ करते हैं /1 फर्स्ट अक्रेंस के लिए, /2 सेकेंड अक्रेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर
टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर रिप्लेस करना चाहता हूँ रूट को टेस्ट यूजर में, सिर्फ सेकंड वर्ड को। तो जब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर जो रूट लिखा है ये रिप्लेस नहीं हुआ, सिर्फ रिप्लेस हुआ सेकंड नंबर पे जो रूट अवेलेबल था, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया टू, इस करके सिर्फ सेकंड अक्रेंस पे जो रूट था वो रिप्लेस हो गया। टेंथ लाइन के अंदर ये रूट फर्स्ट अक्रेंस पे है, इस करके ये रिप्लेस नहीं होगा। सेकंड अक्रेंस पे कहीं पर भी रूट अवेलेबल नहीं है, इस करके किसी और लाइन के अंदर चेंजेस नहीं हुए। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप सभी वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं जो भी आपकी उस फाइल में अवेलेबल है, तो हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश जी का। जी का मतलब होता है ग्लोबल रिप्लेसमेंट। तो मैंने इस कमांड को जब एग्जीक्यूट किया तो जहां पर भी आपके रूट अवेलेबल होगा इस फाइल के अंदर, वो रिप्लेस हो जाएगा टेस्ट यूज़र में। तो फर्स्ट लाइन में तीन बारी रूट अवेलेबल था, ये फर्स्ट अक्रेंस, सेकंड अक्रेंस, थर्ड अक्रेंस, तो ये तीनों आपके रिप्लेस हो गए। और लास्ट लाइन में आपका यहाँ पर अवेलेबल था रूट, ये भी आपका रिप्लेस हो गया टेस्ट यूज़र में। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं एनथ अक्रेंस से, यानी कि आप सभी वर्ड्स को रिप्लेस नहीं करना चाहते लेकिन जो भी आप नंबर देंगे उसके बाद के सभी वर्ड्स होने चाहिए रिप्लेस, तो आपको यहाँ पर कमांड में लिखना होगा वो अक्रेंस जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस एग्जांपल में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ सेकंड वर्ड से। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर सेकंड अक्रेंस थी, ये थर्ड अक्रेंस, ये दोनों चेंज हो गए, लेकिन जो फर्स्ट अक्रेंस पे रूट था ये रिप्लेस नहीं हुआ। और टेंथ लाइन में भी जो रूट अवेलेबल था फर्स्ट अक्रेंस पे, ये भी रिप्लेस नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक लाइन में से किसी भी वर्ड को, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को कुछ इस तरह से। तो इस एग्जांपल में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी थर्ड लाइन है, इस लाइन में जो भी नो लॉगिन लिखा हुआ है ये रिप्लेस हो जाए शेल के साथ, और मैं इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ ग्लोबली। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि इस टोटल फाइल में, टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी फाइल में, जहाँ पर भी नो लॉगिन लिखा हुआ है वो शेल में रिप्लेस तो हो लेकिन सिर्फ थर्ड लाइन में। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये जो मेरी थर्ड लाइन है, सिर्फ इसी लाइन में मेरा रिप्लेस होगा नो लॉगिन शेल के साथ, बाकी और किसी भी लाइन में नो लॉगिन रिप्लेस नहीं होगा शेल के साथ, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सेट कमांड। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं रिप्लेस्ड लाइन को, तो हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश पी फ्लैग का। तो इस एग्जांपल में जब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ रूट नाम को डाटा के साथ, तो जहाँ जहाँ पर भी रिप्लेसमेंट होगी वो लाइन मेरी दो बार प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने रिप्लेस किया रूट को डाटा के साथ, तो मेरा रूट अवेलेबल था फर्स्ट लाइन में, तो ये रिप्लेस हुआ डाटा के साथ, लेकिन ये लाइन आपकी दो बारी प्रिंट होगी। सेकंड रूट अवेलेबल था लास्ट लाइन में इस जगह पर, तो ये भी आपका रिप्लेस हो गया रूट डाटा के साथ, तो ये भी लाइन आपकी दो बार प्रिंट होगी। बाकी जितनी भी लाइंस अवेलेबल हैं इनमें रूट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इस करके लाइन एज इट इज़ रही, और जहां पर भी रिप्लेस हुआ रूट डाटा के साथ वो लाइन आपकी दो बार प्रिंट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं सिर्फ रिप्लेस्ड लाइन को, तो हम यूज़ करते हैं माइनस एन ऑप्शन का। तो जहाँ पर भी आपका जो वर्ड रिप्लेस होगा सिर्फ वही लाइन ही आपकी प्रिंट होगी, जहाँ पर आपका वर्ड रिप्लेस नहीं हुआ वो लाइन आपकी प्रिंट नहीं होगी। तो इस एग्जांपल में मैंने
रिप्लेस किया है रूट को डाटा नाम के साथ, तो जो मेरी फर्स्ट लाइन थी उसमें अवेलेबल था रूट, तो ये लाइन में डाटा प्रिंट हो गया, और लास्ट लाइन में अवेलेबल था यहाँ पर रूट जो कि रिप्लेस हो गया डाटा के साथ। बाकी लाइनों में कहीं पर भी रूट अवेलेबल नहीं था, इस करके आपकी बाकी लाइंस प्रिंट नहीं हुई। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर रेंज में से, तो हम यूज़ करते हैं सेट कमांड का कुछ इस तरह से। इस एग्जांपल में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ सिर्फ थर्ड लाइन से लेके सिक्स्थ लाइन तक नो लॉगिन को डिस्प्ले में टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी फाइल में से। तो जो मेरी थर्ड फोर फाइव और सिक्स्थ लाइन है, सिर्फ इन्हीं लाइन में से जहाँ पर भी नो लॉगिन था वो रिप्लेस हो गया डिस्प्ले वर्ड के साथ। तो सिर्फ अवेलेबल था ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन में, सिक्स्थ लाइन में कहीं पर भी नो लॉगिन अवेलेबल नहीं था, इस करके डिस्प्ले कहीं पर भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप सेट कमांड का यूज़ करके किसी भी रिप्लेसमेंट को करते हैं तो आउटपुट सिर्फ आपको आपके शेल पर ही दिखता है, एक्चुअल में वो किसी भी फाइल के अंदर सेव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी नाम से। इस फाइल के अंदर लिखी हुई हैं तीन लाइनें, तो जब मैंने ग्लोबली स्ट्रिंग का यूज़ करके रिप्लेस किया लाइनेक्स को यूनिक्स के साथ, तो आपको यहाँ पर लाइनेक्स की जगह शो हो गया कि यहाँ पर हो चुका है यूनिक्स। सेकंड लाइन में यहाँ पर लिनक्स अवेलेबल है, ये भी आपका रिप्लेस हो गया यूनिक्स के साथ। थर्ड लाइन में लिनक्स जो लिखा है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है एल, लाइनेक्स हमारा केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर जो मैंने लाइनेक्स को यूनिक्स में रिप्लेस करना चाहा है वो मैंने लिनक्स को स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो एल लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, इस करके जो आपका लिनक्स था वो यूनिक्स में रिप्लेस नहीं हुआ। यहाँ पर तो आपको रिप्लेस लाइन्स दिखेंगी, लेकिन जब आप फिर से रीड करेंगे लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल को तो आपको सेम आउटपुट वही मिलेगा जो आपका एक्चुअल फाइल के अंदर अवेलेबल था। जो रिप्लेसमेंट हुई वो सिर्फ आपको ऑन स्क्रीन ही नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपको ऑन स्क्रीन रिप्लेसमेंट जो नज़र आ रही है ये आपकी एक्चुअल फाइल के अंदर भी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइफन आई स्विच का। तो जैसे ही मैंने इस कमांड के अंदर हाइफन आई स्विच का यूज़ किया, जो आपकी मेन फाइल के अंदर लाइनेक्स लिखा था वो एक्चुअल में रिप्लेस हो गया आपका फाइल के अंदर यूनिक्स नेम से। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप किसी भी लाइन को कमेंट या अनकमेंट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं कमांड को कुछ इस तरह से। कमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी लाइन के आगे जब हैश सिंबल को ऐड कर देंगे वो लाइन कहलाएगी कमेंट लाइन, अगर आप हैश सिंबल को हटा देंगे तो वो लाइन कहलाएगी अनकमेंट लाइन। तो इस एग्जांपल में मैंने यूज़ किया सेट माइनस आई स्विच का। आई मतलब मैं फाइल के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, फाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी नाम की, तो इस फाइल के अंदर मैंने यूज़ किया कैरेट सिंबल का। कैरेट का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड, तो मैं फर्स्ट वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ हैश सिंबल के साथ। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो मेरी जो लास्ट लाइन थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया है डॉलर एस यानी कि मेरी लास्ट लाइन में चेंजेस होने चाहिए, तो लास्ट लाइन मेरी ये थी, इस लाइन के स्टार्टिंग में आ चुका हैश सिंबल, यानी कि ये लाइन आपकी हो चुकी है कमेंटेड लाइन। अगर आप फिर से कमेंटेड लाइन को अनकमेंट करना चाहते हैं तो आपको कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया कैरेट सिंबल हैश, यानी कि जो जिस भी लाइन के अंदर शुरू में हैश सिंबल आ रहा है वो रिप्लेस हो जाए ब्लैंक के साथ, यानी कि वहाँ से वो सिंबल हट जाए लास्ट लाइन में से। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर जो हैश सिंबल आया था वो अब यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से हम
किसी भी लाइन को कमेंट या अनकमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट कमांड। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक लाइन को एक पर्टिकुलर फाइल में से, तो हम यूज़ करते हैं डी अल्फ़ाबेट का। तो इस फाइल में मैं डिलीट करना चाहता हूँ थर्ड लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट और सेकंड लाइन तो अवेलेबल रही, लेकिन उसके बाद की सभी लाइंस हो चुकी हैं डिलीट। अगर आप थर्ड से लेके सिक्स तक लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप थर्ड से लेके सिक्स लाइन को छोड़ के सभी लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डी अल्फ़ाबेट के साथ। तो जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आपकी सिर्फ लाइन बचेगी तीन से लेके छः तक की, बाकी लाइन सभी हो जाएंगी डिलीट। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं लाइनक्स वाली लाइन को अपनी फाइल में से, तो आपको कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करना होगा। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, जिस लाइन के अंदर मेरा लाइनक्स अवेलेबल था वो लाइन हो चुकी है डिलीट। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप किसी भी लाइन से पहले किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं आई अल्फ़ाबेट का। तो मैं लाइन नंबर 5 से पहले ऐड करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वर्ड को इस फाइल में। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो लाइन नंबर 5 से पहले जो मैंने वर्ड बोला था सेट कमांड में वो हो चुका है ऐड। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप किसी भी लाइन के बाद कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है अपेंड करना। तो इस एग्जांपल में मैं लाइन नंबर 5 के बाद इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐड करना चाहूँगा तो मुझे कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करना होगा। तो जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी आपकी लाइन नंबर 5 के बाद ये वर्ड यहाँ पर हो जाएगा अपेंड। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं सेट कमांड का अगर आपको बिना फाइल को ओपन किए ये सब चेंजेस करने हो, जैसे कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं सेट कमांड का। प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ RHEL 8.4 की वर्चुअल मशीन का। आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड कैट /etc/redhat-release एंटर, तो वर्जन है 8.4। अगर आप पर्टिकुलर फाइल में से एक पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कमांड को कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने लिखा सेंड 1p, 1p का मतलब है सिर्फ फर्स्ट लाइन /etc/passwd, एंटर प्रेस किया। लेकिन यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट लाइन थी वो प्रिंट ना होके आपकी पूरी फाइल ही हो चुकी है प्रिंट। तो जब भी आप सेट कमांड का यूज़ करें आपको -n ऑप्शन का यूज़ करना होगा। तो आप सेम कमांड को रिपीट करेंगे, सेट -n ऑप्शन आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर जो भी लाइन आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मैंने फर्स्ट लाइन के लिए 1p लिखा /etc/passwd, एंटर प्रेस किया, तो ये प्रिंट हुई सिर्फ फर्स्ट लाइन। लेकिन इस लाइन के अंदर कोई भी लाइन नंबर नहीं आया, तो इसी कमांड के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ कैट स्पेस -n कमांड का। तो अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है लाइन नंबर। तो आप कमांड को इस तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिवर्स में प्रिंट कराना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होगा कैट -n /etc/passwd। तो ये मैंने कमांड यूज़ की, इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ सेट कमांड को, सेट -n, और प्रिंट कराता हूँ सिर्फ फर्स्ट लाइन को। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1p, एंटर प्रेस किया, तो आपको सेम आउटपुट नज़र आई। यानी कि आप सेट कमांड को सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और किसी कमांड के ऊपर भी आप सेट कमांड का यूज़
कर सकते हैं। कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूं। अब हम चेक करते हैं कि मेरी passwd फाइल के अंदर कितनी लाइंस अवेलेबल हैं। तो मैं यूज करता हूं कैट कमांड का, कैट माइनस एन स्लैश etc passwd, एंटर प्रेस किया तो मेरी passwd के अंदर 46 लाइंस अभी अवेलेबल है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ लाइंस ही सेव करनी है अपनी किसी और फाइल में, ताकि मैं आपको चेंजेस करके दिखा पाऊँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, कैट माइनस एन स्लैश etc स्लैश passwd पाइप सिंबल, इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ सेट कमांड का, स्पेस माइनस एन फर्स्ट लाइन से लेके 10th लाइन तक। तो हम कमांड को इस तरह से लिखेंगे, एंटर प्रेस किया तो ये आपके सामने प्रिंट होगी सिर्फ 10 लाइनें। अब मैं इन्हीं 10 लाइनों को सेव करता हूँ किसी और फाइल में, तो मैं सेम कमांड को एग्जीक्यूट करके इसे रीडायरेक्ट कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर फाइल क्रिएट करते हैं यूज़र डॉट txt नाम से, एंटर प्रेस किया, कैट स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप यूज़र डॉट txt। तो इस फाइल में आ चुकी 10 लाइनें। अब मैं cd कमांड का यूज़ करके भी आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, कंट्रोल एल प्रेस किया, अब मैं इस फाइल में से सिर्फ प्रिंट कराना चाहता हूँ अपनी फर्स्ट लाइन को और लास्ट लाइन को। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेड हाइफन एन, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन को और 10th लाइन को। फाइल है हमारी यूज़र डॉट txt, एंटर प्रेस किया तो आपके सामने सिर्फ फर्स्ट लाइन और 10th लाइन ही प्रिंट हुई। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं डिफरेंट लाइंस को, तो उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेड माइनस एन, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट लाइन के बाद थर्ड लाइन को, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन को और फिफ्थ लाइन से लेके लास्ट लाइन तक। तो हम लिखेंगे 5, $ symbol देन p, इसका मतलब है 5 से लेके जो भी लास्ट लाइन होगी वहाँ तक मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। फाइल का नाम है यूज़र डॉट txt, एंटर प्रेस किया तो ये आपकी लाइन प्रिंट होगी, फर्स्ट के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 10th तक। कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एको कमांड, एको लाइन लिखता हूँ लाइनक्स इज केस सेंसिटिव दैट मीन्स यू कैन यूज स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। सेव कर लेता हूँ इसको, लाइनक्स डॉट txt फाइल में, एंटर प्रेस किया तो ये मैंने फर्स्ट लाइन लिख दी। एक और लाइन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एको कमांड, एको लाइनक्स इज मोस्टली यूज्ड इन सर्वर्स। इस लाइन को मैं अपेंड कर देता हूँ linux.txt फाइल में, एंटर किया। एक और लाइन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एको कमांड, एको लाइनक्स इज वेरी इजी, इसको भी मैं अपेंड करता हूँ linux.txt फाइल में। एक और लाइन लिखते हैं एको लाइनक्स इज
नॉट यूजर फ्रेंडली। इसको भी अपेंड करते हैं लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल में। अब रीड करके देखते हैं लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल को विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, कैट लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी। तो इसमें लाइन्स अवेलेबल है। लाइन नंबर के लिए मैं यूज़ करता हूँ माइनस एन स्विच का। तो इस फाइल के अंदर मैंने लिखी है 4 लाइन्स। अब हम कमांड्स को इस फाइल के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे। कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को, तो उसके हम यूज़ करते हैं सेट कमांड का, सेट माइनस एन। मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन को, तो लिखेंगे 1p। फाइल का नाम है linux.txt। एंटर प्रेस किया तो आपकी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी। लास्ट लाइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ सेट माइनस एन। प्रिंट कराता हूँ $p, यानी कि लास्ट लाइन। फाइल का नाम है linux.txt, तो ये आपकी आ गई लास्ट लाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को प्रिंट करवाने के लिए मुझे 2 कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ा। लेकिन अगर आप सिंगल कमांड से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा सेट माइनस एन। मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन को तो 1p, और लास्ट लाइन को मैं लिखा $p। फाइल का नाम है linux.txt। एंटर प्रेस किया तो आपकी दोनों लाइनें प्रिंट होगी। अगर आप इसके ऊपर लाइन नंबर भी देखना चाहते हैं तो आपको इसी कमांड के बाद यूज़ करना होगा पाइप सिंबल का और कैट माइनस एन कमांड का। तो आपकी ये दोनों लाइनें हो चुकी हैं प्रिंट। कंट्रोल एल। अब मैं फाइल को पहले रीड कर लेता हूँ linux.txt। माइनस एन भी लगा लेता कि आपको लाइन नंबर भी नज़र आ जाए। तो इसमें 4 लाइनें अवेलेबल हैं। अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ linux को यूनिक्स के अंदर, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग का। तो उसके लिए आपको लिखना होगा सेड एस फॉर सब्स्टिट्यूट। मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लिनक्स को यूनिक्स में। फाइल का नाम है linux.txt। एंटर प्रेस किया तो आपका जो लिनक्स वर्ड था, जो कि लिनक्स स्मॉल में लिखा हुआ है, वो ही रिप्लेस हुआ यूनिक्स के साथ। तो यहाँ पर लिनक्स लिखा था, ये हो गया यूनिक्स। सेकंड लाइन में लिनक्स लिखा था, ये भी हो गया यूनिक्स। लेकिन थर्ड और फोर्थ लाइन में लिनक्स जो लिखा है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, इस करके ये रिप्लेस नहीं हुआ। अगर आप इस वर्ड को भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको सेम इसी कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एल। एंटर प्रेस किया तो इस कमांड से क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट सेकंड लाइन में लिनक्स था वो स्मॉल में था, लेकिन मैंने रिप्लेस किया कैपिटल वाले को, तो कैपिटल सिर्फ थर्ड और फोर्थ लाइन में था, तो सिर्फ थर्ड और फोर्थ लाइन में ही लिनक्स यूनिक्स में रिप्लेस हुआ। लेकिन अगर आप कैट करके देखते हैं लिनक्स वाली फाइल को, तो ये चेंजेस सिर्फ आपको डेस्कटॉप पर ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे फाइल में भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा -i सिंबल का। तो मैं पहले सेम कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेट कमांड को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा सेट एस, रिप्लेस करना चाहता हूँ लिनक्स को यूनिक्स में। फाइल का नाम है linux.txt और यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा -i स्विच का। एंटर प्रेस किया। अब चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, कैट माइनस एन। कैट माइनस एन सिर्फ लाइन नंबर ही प्रोवाइड करेगा लिनक्स वाली फाइल को। एंटर प्रेस किया तो अब जो स्मॉल लिनक्स था वो रिप्लेस हो गया यूनिक्स के साथ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया। अब कैपिटल वाले को भी रिप्लेस कर लेते हैं। सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेट -i।
आप हाइफन आई को पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एस लिनक्स को रिप्लेस करते हैं यूनिक्स के साथ। फाइल का नाम है linux.txt, एंटर प्रेस किया। फिर से करते हैं कैट हाइफन एन linux.txt, तो ये आपके सभी लिनक्स जो थे वो रिप्लेस हो चुके यूनिक्स के साथ और ये आपके फाइल में भी चेंजेस हो चुके। कंट्रोल एल, कैट करते हैं लिनक्स फाइल को, एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर एक और लाइन ऐड करता हूँ जिसमें यूनिक्स मेरा बार बार आएगा, तो उसके लिए मैं पर कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ एको लिनक्स इज इंस्टॉल लिनक्स इज वेरी easy to learn, Linux is command based। इस लाइन को मैं अपेंड करता हूँ Linux वाली फाइल में, एंटर किया। फिर से कैट करते हैं इसी फाइल को, एंटर किया, तो आपकी लास्ट लाइन ऐड होगी जिसमें लिनक्स मैंने एक बार दो बार तीन बार लिख दिया। अब मैं जो थर्ड लिनक्स है सिर्फ इसी को रिप्लेस करना चाहता हूँ यूनिक्स के साथ, तो इसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी सेड एस फॉर सब्स्टिट्यूट के लिए। लिनक्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ यूनिक्स के साथ, लेकिन सिर्फ थर्ड वर्ड को। फाइल का नाम है linux.txt, एंटर प्रेस किया। तो जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी लिनक्स लिनक्स और लिनक्स, तो ये जो लिनक्स था ये रिप्लेस हो गया यूनिक्स के साथ। कंट्रोल एल, फिर से फाइल को रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड linux.txt। अब जहाँ जहाँ पर भी यूनिक्स लिखा हुआ है उसे हम रिप्लेस करते हैं लिनक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर तो लिनक्स है, तो पहले मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पर यूनिक्स को विद द हेल्प ऑफ हाइफन आई स्विच का यूज़ करके। तो सेम कमांड मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन लास्ट में यहाँ पर कर देते हैं माइनस आई, एंटर किया। फिर से रीड करते हैं सेम फाइल को विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, तो अब आपका यहाँ पर भी आ चुका यूनिक्स। फिर से रीड कर लेता हूँ। अब मैं ग्लोबली रिप्लेस करना चाहता हूँ यूनिक्स को वापस लिनक्स के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेड, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं यूनिक्स को वापस लिनक्स में, स्लैश जी मतलब ग्लोबली। फाइल का नाम है linux.txt, एंटर प्रेस किया, तो वापस आपका यूनिक्स रिप्लेस हो गया लिनक्स के साथ। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं सभी वर्ड्स को जो भी आपके इस फाइल में अवेलेबल होंगे। इन्हीं वर्ड्स को मैं राइट भी कर देता हूँ सेम कमांड यूज़ करके, बस माइनस आई को ऐड करके। तो वापस आपकी फाइल के अंदर क्या आ गया कैट करके देख लेते हैं, एंटर किया, तो वापस आपका इस फाइल में है लिनक्स। अब मैं सिर्फ सेकंड वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और नाम में, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी सेड एस मतलब सब्स्टिट्यूट। मैं रिप्लेस करता हूँ लिनक्स को दीपक सूद वर्ड के साथ, लेकिन सिर्फ जो भी वर्ड है मेरा सेकेंड लोकेशन पर, तो मैं लिखूंगा 2G। फाइल का नाम है linux.txt,
एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मुझे ग्लोबली रिप्लेस करना है, स्टार्ट करना है लेकिन सेकंड वर्ड से, तो सेकंड में यहाँ पर अवेलेबल था लिनक्स जो रिप्लेस हो गया दीपक सूद के साथ, और यहाँ पर लिनक्स था थर्ड वर्ड तो ये भी आपका रिप्लेस हो गया दीपक सूद के साथ। अगर आप ग्रैप करके भी चेक करना चाहें तो आप इसी के आगे लिखेंगे ग्रैप, और मैं यहाँ पर कोट में लिख देता हूँ नाम जिसको आप सर्च करना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ दीपक सूद, एंटर प्रेस किया तो आपका सिर्फ एक ही लाइन के अंदर दीपक सूद दो जगह पे रिप्लेस हुआ, फर्स्ट वर्ड आपका एड्रेस रहा। अगर आप इस फर्स्ट वर्ड को भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंगल जी लिखेंगे तो आपका फर्स्ट वर्ड भी हो जाएगा रिप्लेस, कंट्रोल एल। फाइल को फिर से रीड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, कैट माइनस एन लिनक्स डॉट टीएक्सटी। अब मैं सिर्फ लिनक्स को यूनिक्स में रिप्लेस करना चाहता हूँ सिर्फ लास्ट लाइन में से, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी सेड डॉलर एस, डॉलर एस का मतलब है लास्ट लाइन में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लिनक्स को यूनिक्स के साथ ग्लोबली। फाइल का नाम है लिनक्स डॉट टी एक्स टी, एंटर प्रेस किया तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया जो मेरी लास्ट लाइन थी जहाँ पर भी लिनक्स था वो रिप्लेस हो गया यूनिक्स के साथ, तो यहाँ पर भी आपका यूनिक्स आ गया, ये सेकंड लोकेशन पर भी यूनिक्स आ गया और थर्ड लोकेशन पर भी आपका आ गया यूनिक्स जो कि पहले था लिनक्स लिनक्स और लिनक्स। अगर आप सिर्फ फर्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो आप इसी कमांड को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डॉलर एस की जगह लिखना होगा वो लाइन नंबर, तो टोटल लाइन्स है फाइव, फाइव में से मैं सिर्फ थर्ड लाइन में करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा थ्री, एंटर प्रेस किया तो आपका सिर्फ थर्ड लाइन में प्रिंट हुआ लिनक्स की जगह यूनिक्स, कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ रिप्लेस लाइन को ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, लास्ट कमांड को मैं फिर से कर देता हूँ एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर आपकी सभी लाइनें प्रिंट हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ जिस लाइन में चेंजेस हुए हैं सिर्फ वही लाइन ही प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको इसी कमांड के लास्ट में लगाना होगा या पहले भी लगा सकते हैं माइनस एन, एंटर किया तो अब आपकी सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हुई जिसके अंदर चेंजेस हुए थे। मैंने डॉलर एस किया है तो मैं डॉलर को हटा देता हूँ, अब मैंने एंटर किया तो अब आपकी फाइल के अंदर सभी लाइन में जहाँ पर भी लिनक्स लिखा था वहाँ पे प्रिंट हो गया आपका दीपक, लेकिन सब जगह पे आपका सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही रिप्लेस हुआ, जो आपका सेकंड वर्ड था लिनक्स और थर्ड वर्ड था ये रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेट कमांड सिर्फ फर्स्ट अपीयरेंस को ही करता है चेंज, कंट्रोल एल। फिर से कर लेते हैं उसी फाइल को रीड विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, कैट माइनस एन, फाइल का नाम था लिनक्स डॉट टी एक्स टी। अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ सेकेंड लाइन से लेके फिफ्थ लाइन तक के लिनक्स को यूनिक्स में, तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे सेड, शुरू करते हैं थर्ड लाइन से और इसे रिप्लेस करना चाहते हैं फिफ्थ लाइन तक, तो लिखेंगे 5s, रिप्लेस करते हैं लिनक्स को यूनिक्स के साथ, फाइल का नाम है लिनक्स डॉट टी एक्स टी, एंटर प्रेस किया तो आपका थर्ड लाइन से लेके फिफ्थ लाइन तक लिनक्स यूनिक्स में हो गया रिप्लेस, तो यहाँ पे मैं लाइन नंबर भी लगा लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैट माइनस एन कमांड का यूज करके, तो सिर्फ थर्ड से लेके फिफ्थ तक ही लिनक्स यूनिक्स में रिप्लेस हुआ, कंट्रोल एल। रीड करते हैं फाइल को विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, लिनक्स फाइल को भी रीड कर लेते हैं,
दूसरी फाइल थी यूजर डॉट टी एक्स टी। दोनों फाइलों को मैंने इकट्ठा कर लिया रीड। अब पहले मैं इन दोनों फाइलों को करता हूँ मर्ज विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड। तो आपको इसी कमांड के आगे करना होगा इसे रीडायरेक्ट और नई फाइल का नाम देता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी। एंटर प्रेस किया, फाइल को रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट माइनस एन कमांड की हेल्प से न्यू डॉट टी एक्स टी। तो अब ये दोनों लाइनें आपकी एक ही फाइल के अंदर अवेलेबल है। कैट करते हैं न्यू फाइल को, एंटर प्रेस किया। अब मैं उन लाइंस को डिलीट करना चाहता हूँ जहाँ पर भी रूट नाम अवेलेबल है, यानी कि रूट नाम जो अवेलेबल है फर्स्ट लाइन में अवेलेबल है और रूट नाम अवेलेबल है मेरी इस 10th लाइन में, यानी कि ये 1 और ये 10। अगर ओवरऑल लाइन की बात करें तो ओवरऑल लाइन नंबर है 6 और लाइन नंबर 15। तो उसके लिए आपको कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी होगी सेड। रूट को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट, और फाइल का नाम है न्यू डॉट टी एक्स टी। एंटर प्रेस किया तो जो लाइन नंबर आपका 6 था जहाँ पर रूट लिखा था वो लाइन अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और ना ही आपकी ये 15th लाइन अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लाइन को करते हैं डिलीट। अगर आप रेंजेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा सेट कमांड का, कैट माइनस एन, फाइल का नाम है न्यू, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ सेट कमांड का। मैं डिलीट करना चाहता हूँ 3rd लाइन से लेके 6th लाइन तक को। एंटर प्रेस किया तो 3 से लेके 6 तक लाइनें होगी आपकी डिलीट। अगर आप 3 से लेके 6 तक को छोड़ के बाकी लाइनों को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसी कमांड को रिपीट करेंगे, लेकिन आपको डी से पहले लगाना होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंटर प्रेस किया तो 3 से लेके 6 तक आपकी लाइनें बच गई और बाकी सभी लाइनें हो चुकी हैं डिलीट। अगर आप लास्ट तक करना चाहते हैं तो आप कमांड को सेम एग्जीक्यूट करेंगे, बस आपको यहाँ पर लिखना होगा डॉलर डी। एंटर प्रेस किया तो सिर्फ आपकी लाइन अवेलेबल रही 1 और 2 और बाकी सभी लाइनें होगी डिलीट। कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ। फिर से रीड करता हूँ लाइनक्स वाली फाइल को। अब मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर। मैं ऐड करता हूँ 5th लाइन से पहले, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सेड 5i, आई मतलब पहले। मैं लिखता हूँ लिनक्स वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय चैनल। फाइल का नाम है linux.txt। एंटर प्रेस किया तो इसके ऊपर मैं कैट माइनस एन कमांड भी लगा देता हूँ ताकि आपको लाइन नंबर नज़र आ जाए, माइनस एन। एंटर किया तो मेरी 5th लाइन थी लाइनक्स इज इंस्टॉल्ड। अब मेरी 5th लाइन है लाइनक्स वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय चैनल। तो इस तरह से आप बिफोर लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसी लाइन को ऐड करना चाहते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर लाइन तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा ए स्विच का। तो आप सेम कमांड ही एग्जीक्यूट करेंगे बट आपको यहाँ पर लिखना होगा 5a, मतलब 5th लाइन के बाद। एंटर प्रेस किया तो अभी आपका 5th लाइन के बाद सेम मैंने मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से हम
सेट कमांड का यूज़ करके किसी भी वर्ड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी लाइन को ऐड कर सकते हैं, किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं पर्टिकुलर लाइंस को बिना फाइल को ओपन किए। जबकि हमें फाइल को अगर एडिटिंग करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं विम एडिटर का। विम एडिटर का यूज़ करके भी हम फाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं जो हम सेट कमांड से कर रहे हैं। लेकिन विम एडिटर को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको फाइल को पहले ओपन करना होगा, तभी आप चेंजेस करेंगे, फिर आपको फाइल को फिर से सेव करना होगा। लेकिन सेट कमांड में आप बिना फाइल को ओपन किए ये सब चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।